पे ये विनोद भाई हाँ ले रहा हूँ क्या हो रहा है विशाल आड़ा करना ऐसा सेंटर में आना मेरे पीछे यहाँ पे जानिए यहाँ पे सेंटर में मेरे पास नहीं देखा जानवी इकड़े जानवी इकड़े इकड़े ईशान इधर इधर ईशान यहाँ पे ईशान 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 आपको पता नहीं इट्स गुड वी प्रॉब्ली शुडंट टेल देम व्हाट हैपेंड आई मीन जैसा कि आप जानते हैं आज हम मैं ईशान जानवी को लेके ऑफिसिंग बुज आया हुआ हूँ हमारे साथ मेघना घाईपुरी हैं मैं विस्टिंग बुज का एलुमनाई हूँ मैं विस्टिंग बुज का जो फर्स्ट बैच था वहाँ से पास आउट हुआ था और जितनी भी मैंने फिल्में बनाई हैं आई हैड द ऑनर एंड फॉर्चून टू कम बैक विद दोज फिल्म्स टू कैंपस टू प्रॉब्ली गिव बैक समथिंग टू द इंस्टीट्यूट टू द स्टूडेंट्स शेयर माई जर्नी विद देम एज ऑफ नाउ एंड होपफुली इन अ स्मॉल वे एनकरेज देम मोटिवेट देम एंड हेल्प देम फॉलो देयर ड्रीम्स एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे साथ आज जानवी और ईशान मेरे साथ आए हैं हम अपनी फिल्म धड़क को लेकर बच्चों के साथ बात करने आए थे उनके कुछ सवालों को एड्रेस करने जस्ट एक हमारी जो जर्नी रही है उसे शेयर करने एंड या इट्स ऑलवेज ग्रेट कमिंग बैक टू वेस्टिंग बुज बिकॉज एज समथिंग एज समवन हु हैज लर्न सो मच ओवर हियर इफ आई कैन गिव बैक इन अ स्मॉल वे इट विल बी द लीस्ट आई कैन डू फॉर द किड्स फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट सो आई वांटेड टू आस्क यू no pity beat ke bhi no I don't think there was any such moment yeah. I don't you think know, only cried for the camera humne inko itna rehearse karwa diya tha ki agar ye set pe ja ke bolte na ki ye nahi ho raha to main unko leg pichola mein dhakka maar dunga aur kisi aur ko cast kar dunga मैं कुछ नहीं करी कौन सा बायोपिक है आई वांट टू आस्क यू लाइक इट वाज योर फर्स्ट फिल्म सो हाउ ओवरवेल्म्ड वर यू विद द काइंड ऑफ रिस्पांस दैट इट हैज गॉट यू नो आपके परफॉर्मेंस के लिए भी काफी प्रेजेस मिले आपको Ishan, I'll let you can also answer. I'm sorry, sir. I don't mean to be rude, but the lady was asking a question. So okay. If we can answer that first. आप दोनों इतने जबरदस्त कलाकार हैं आपकी एक्टिंग के बहुत फैंस हो गए हैं और यहाँ पर जब आप लोग पहुंचे तो क्या रिस्पांस था क्योंकि जो यंग क्राउड है पूरा का पूरा वो यहाँ पर है जो सीख रहा है फिल्म बनाना एक्टिंग करना फिल्म मेकिंग कुछ बताइए कैसा रहा आप दोनों का एक्सपीरियंस ये एक्चुअली हमारे लिए हम सब के लिए आई थिंक आई कैन स्पीक फॉर एवरीवन सबसे मज़ेदार इंटरेक्शन रहा है क्योंकि you know you can tell that they're also interested and they're asking such interesting questions that are making us think and reflect to ha bahut pyar mila hai yahan sab logo se aur hopefully milta rahega aage ke kaam ke bhi baad ishan koi aisa incident jaise ki ab tak aapki dusri film rahi hai aur zabardast rahi hai logon se aap seekhte the baat karte the aaj bahut sare log jo hai wo aap dono se seekhne ke liye yahan par maujood hain ji kuch aisi koi baat agar aap सीखने के लिए नहीं मैम पता नहीं लेकिन इंटरेक्शन करने में बहुत मज़ा आया बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोगों से बात करते हैं जो फिल्मों के शौकीन हैं जो फिल्मों के बारे में सीखना चाहते हैं हम खुद हमारे अपने आप को स्टूडेंट्स मानते हैं शशांक का एक रिश्ता है वो जुड़े हुए हैं स्कूल से तो हमारे लिए ज़ाहिर है बहुत ही स्पेशल है तो बहुत ही एक्साइटेड थे जब आए लेकिन मुझे लगता है कि उम्मीदों के भी पार एक्सपीरियंस रहा
क्योंकि बहुत मज़ा आया, बहुत खुल के बात की सबसे. फिल्म के बारे में हमने ऐसे इंसिडेंट शेयर किए हैं, ऐसी बातें की हैं जो हम पहले शायद नहीं कर पाए, क्योंकि फिल्म के प्रमोशन के दौरान उसकी कहानी को प्रोटेक्ट करके रखना हमारी जिम्मेदारी थी. लेकिन इस बार आई थिंक एक नया एक्सपीरियंस रहा और बहुत ही कमाल का. और हम प्रोसेस के बारे में बात कर पाए, जो कुछ हमारी लर्निंग्स थी विस्टिंगवुड में, जो हमें सीखा था और फिर कैसे मैंने उन चीज़ों को यूज़ किया है अपनी सब फिल्मों में. इनके साथ काफ़ी ऐसे वाक्य हैं जो मैंने शेयर किए हैं, जो प्रोसेसेस में सीखा था वो इनके साथ यूज़ किया है और आज हम उनके साथ डिस्कस कर पाए. काफ़ी बच्चे थे जो डायरेक्शन स्टूडेंट्स हैं, वो पूछ रहे थे कि आपने ये शॉट कैसे लिया, कैसे कंसीव किया. काफ़ी एक्टिंग स्टूडेंट्स थे जो मेरे से और इन दोनों से जानना चाहते थे कि जो इमोशंस थे हम उसमें कैसे अपने आप को कमिट कर रहे थे. तो आई थिंक बहुत एनरिचिंग कॉन्वर्जेशन था हम सभी के लिए और समथिंग विच इज़ ऑलवेज ग्रेट टू कीप कमिंग बैक, बिकॉज यहाँ आने के बाद एक फिर से मोटिवेशन मिल जाता है कि आप अभी भी स्टूडेंट ही हैं, आप अभी भी सीख ही रहे हैं और होपफुली जब तक हम जिंदा रहेंगे हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे. Can't pick and choose, मैम. मुझे लगता है कि कभी कभार वो छोटी छोटी चीज़ें कह देते हैं जिससे दिल भर आता है. तो ऐसे लोग जो होते हैं जो बार बार फिल्म देखने जाते हैं हमारे लिए, उनके साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है. Even that one boy comment था ना YouTube पे. इन्हें सिर्फ एक ही फैन से प्यार है, खैतान आपको कोई ऑफर्स नहीं आया? आपका काम करता हूँ. क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हैं आपको अभी तक कोई ऑफर्स नहीं है? नहीं, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं कह रही हूँ. तो आप बता नहीं सकते? नहीं जी, नहीं, मैं नहीं बता सकती. ओके ईशान, एनीथिंग? वेल, होपफुली अ फिल्म सून, बट देयर इज नथिंग दैट आई कैन टॉक अबाउट जस्ट येट. एंड इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग. इट वाज द आई थिंक इट स्टिल इज, यू नो, टू दिस डेट आई एम गेटिंग मैसेजेस एंड कॉल्स एंड पीपल आर लविंग द फिल्म एंड आई रियली होप दैट इट विल बी अ मेमोरेबल वन. So we have a theme song that played at the end of the session, which our School of Music students have composed. And very sweetly, Janvi was humming it. And she changed the lyrics. Yeah. Yeah. So can you just say that? Too much of love, it we sing. So but the actual lyrics are what? Do what you love. I've made it too much of love in Muslims because we've gotten so much of love. I think also, honestly, sir, abhi tak actually, agar dekha jaye, aisa lag raha hai ki humne Dhadak pichle saal shoot kiya thi, par ye jo release को अभी तक सिर्फ 3 हफ्ते भी नहीं हुए तो चल ही रहा है हमारा. तो आई थिंक इनके लिए भी इट्स टू अर्ली कि पूरा रिफ्लेक्शन करने के लिए अभी बहुत क्या हो रहा है, आगे क्या होगा. बिकॉज़ आई थिंक हम लोग अभी तक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तारीफें मिली हैं, जो क्रिटिसिज्म मिला है, वो सब हम इनफैक्ट हम काफ़ी डिस्कस करते हैं ताकि हम और बेहतर हों अगली फिल्म में, हम और अच्छा काम करें. तो आई थिंक अभी तक वो जर्नी है, अभी तक वही चल रहा है. तो आई डोंट थिंक सो. मेरी जर्नी तो अभी तक, मैं हम यहाँ आ रहे थे विस्लिंग वुड्स और रास्ते में मैं ये बता रही थी इन दोनों को कि ऐसे लग रहा है कि हम, क्योंकि हमारी फिल्म में मेरी जो कोठी थी, पार्थवी की कोठी, वो सेट यहाँ फिल्म सिटी में लगा हुआ था. तो फिर मैं बता रही थी कि ऐसे लग रहा है कि मैं वापस कोठी पे आ रही हूँ शूट करने. अगर हमने उन्हें यहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं लाया होता तो वो चली गई होती. जी हाँ, मैं कॉलेज कभी नहीं लेकिन इसमें कोई खराबी नहीं है. मुझे लगता है कि आप चाहे प्रोफेशनल एक्टर बन जाएं, लेकिन सीखना हमेशा चाहिए. और अगर मुझे मौका मिले तो मैं आना चाहूँगा, स्क्रीनिंग्स देखना चाहूँगा,
फिल्मों की और डिस्कशंस में बैठना चाहूँगा. मुझे इतना कुछ फासला नहीं लगा मेरे में और स्टूडेंट्स में. मैं अभी भी मानता हूँ कि हम सब स्टूडेंट्स ही हैं फिल्मों के. और एक्चुअली आप जब फिल्म स्कूल वापस आते हैं हमेशा रियलाइज करते हैं कि कितनी नई नई चीज़ें आ रही हैं. इनफैक्ट जब हम मैं जानता हूँ, मैं क्लोजली एसोसिएटेड हूँ, यहाँ का जो VR लैब है वो है, वो इनफैक्ट वन ऑफ द पायनियर्स इन द कंट्री. वो जो काम कर रहे हैं, इनफैक्ट हाल ही में मैंने एक इंस्टाग्राम पर फोटोग्राफ देखा था कि आमिर खान साहब आए हुए थे और वो VR को एक्सप्लोर कर रहे थे. हम सब कोशिश कर रहे हैं, हम सब जानना चाहते हैं, नॉट जस्ट एज स्टूडेंट्स बट एज सिनेमा वॉचर्स, की फ्यूचर क्या होने वाला है, कि हम जो स्टोरीज कहना चाहते हैं वो कौन से माध्यम से कह पाएंगे. तो आई थिंक जब हम ऐसे इंस्टीट्यूट में वापस आते हैं और VR देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, मतलब मैं जो चैतन्य जी हैं जो उसको हेड कर रहे हैं, मैं उनसे डिस्कस कर रहा था, वो मुझे बता रहा था तुम थोड़ा अपना स्टोरी टेलिंग चेंज करो, सोचो तुम VR में क्या कर सकते हो. एंड मैं उनको कह रहा था कि आई वुड लाइक टू कम एंड सी योर फिल्म विच इज़ फिक्शन एंड विच इज़ ऑन VR, ताकि मेरा भी एक नज़रिया बदले और मैं भी कुछ सोच सकूँ आगे के लिए. Ishan, I want to ask you, how do you, like, everyone says they don't give importance to trolls, you know, but how do you react to online trolls? Abhi recently Meera Rajput was seen in an ad, and online, you know, she, when she posted the ad, she was, like, a lot of negative comments came in, and people are saying that why is she doing an ad, anti-Asian ad. So how do you see this whole concept of trolling, online trolling? Aap kaise react? Well, I have an opinion on it. I won't want to expand too much on this, but I do feel like there's a lot of frustration. There are a lot of people who are overly judgmental on the internet. But having said that, everyone has the right to their opinion. For me, what's important is to be inspired and to keep moving forward and to grow as an artist and as a person. And I don't find negativity helpful in that. So I try and keep myself away from it. Sometimes I find it amusing too. But yeah, try and... Some of it is funny. Some of it is actually genuinely good jokes funny. They come up with. But unfortunately, the larger part of it is humorless and, you know, falls flat. So just let it, you sweep it under of, the carpet. A lot of it is like giving a kid a pencil and a blank paper and they keep scribbling. Yeah. decipher karne ki koshish karte ki ye triangle or a line jo saath mein banaya hai uska kya matlab. Yeah. I think trolling is like that because some of it is just meaningless. Yeah, but I do think that we should discourage this kind of negativity on social media instead of, you know, paying heed to, there's, you know, I don't know, for some reason negativity gets a lot of traction even within the media. Discourage it in life. Yeah. Try to stay as positive as well. Yeah. Thank you. Sorry. Next time. Thank you, guys.